तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर फिर से मोदी से नाराज हुए मुस्लिम देश, भाजपा को फटका लगाते हुए तत्काल इसे लागू करने की है मांग। बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंच से ओवैसी जिंदाबाद और एआईएमएम जिंदाबाद के लगे नारे, देखते रह गए कांग्रेसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में रहती है प्रधानमंत्री मोदी की बहन, पाकिस्तान की मोदी की बहन ने भारत में भेजी मोदी के लिए राखी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर 5 राज्यों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। उग्रवादी संगठनों ने पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का युवाओं से एक और वादा, कहा गुजरात में हमारी सरकार बनी तो पेपर लीक रोकने के लिए बनाएंगे कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में अवैध प्लांटिंग करने वालों की लिस्ट जारी, बीजेपी विधायक मेयर का नाम शामिल, योगी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर मुस्लिम देश मोदी से हुए नाराज। दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आज मुस्लिम देशों से बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से मुस्लिम देश मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं और सभी मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर को लेकर आज फटका लगाई है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। आज इस फैसले के 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर मुस्लिम देशों ने भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने ट्वीट किया और कहा कि 5 अगस्त 2022 को भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की गई अवैध और एक तरफा कार्रवाई को 3 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद कश्मीर में गैरकानूनी ढंग से डेमोग्राफिक बदलाव सहित कई अतिरिक्त अवैध कदम उठाए गए हैं। इस तरह के कदम ना तो जम्मू कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल सकते हैं और ना ही कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के वैध अधिकारों को खत्म कर सकते हैं। आगे मुस्लिम देशों के संगठनों ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी हम उनके हिसाब से काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 3 साल अनुच्छेद 370 हटने को लेकर मोदी सरकार के विरोध में मुस्लिम देश उतर आए हैं और भाजपा पर कभी भी कार्रवाई मुस्लिम देश कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंच से लगे ओवैसी जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस से नव निर्वाचित महापौर और MIM पार्टी के पार्षदों के आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे के बीच असदुद्दीन ओवैसी और AIMM पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। MIM की महिला पार्षदों ने ये नारे लगाए, जिससे वहां पर कार्यक्रम में मौजूद लोग बहुत चक्का रह गए। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व CM कमलनाथ की मुख्य अतिथि में जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायक, पूर्व मंत्री और 12 संतों को बुलाया गया था, जहां कांग्रेस के नव निर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और पार्षदों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बीच सांसदों ने असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाए। MIM की महिला पार्षद समरीन कुरैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे के बीच MIM पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता अब मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उग्रवादी संगठनों ने 5 पूर्वोत्तर राज्यों में स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म ने 5 पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। संगठनों ने 5 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में आम हड़ताल का भी आह्वान किया, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक संयुक्त बयान में इन उग्रवादी संगठनों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर वह स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि उनके इस ऐलान के बाद भाजपा के पैरों की जमीन निकल गई है, क्योंकि उग्रवादी संगठनों ने आजाद राज्यों को करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में रहती है प्रधानमंत्री मोदी की बहन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पाकिस्तान की लड़की ने भेजी राखी। जब दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर्व सभी देशवासियों के लिए खास अहमियत रखता है। भाई बहन के इस पावन पर्व पर
प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बहनें राखी बांधती हैं। उनकी एक मुंह बोली बहन पाकिस्तान में रहती है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कामना की कि 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को जीत मिले और वह फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। कमर ने कहा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और इस बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार मुझे दिल्ली बुलाएंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने रेशमी रिबन के साथ कढ़ाई डिजाइन का उपयोग करके ये राखी खुद बनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल का युवाओं से एक और वादा। कहा, गुजरात में पेपर लीक रोकने के लिए बनाएंगे कानून। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में सभी को नौकरी देने का वादा करने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने पर पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाने का गुजरात में वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए कानून बनाएगी और साथ ही राज्य के सभी युवाओं को रोजगार देगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां पैदा करेगी। जब तक सभी को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बेरोजगारों को 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सहकारी क्षेत्र में रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है, इसमें बदलाव किया जाएगा और पारदर्शी आधार पर भर्तियां की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल ने बड़ा ऐलान फिर से किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदूवादी संगठनों ने मध्य प्रदेश के 9 जिलों में घर वापसी का मुसलमानों के अभियान चलाने का किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुत्व की जन जागृति और हिंदुओं को संगठित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश के 9 जिलों में घर वापसी अभियान चलाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक नारा भी दिया है जो इस प्रकार है, 0% धर्मांतरण और 100% घर वापसी। इससे पहले राजस्थान के वांसवाड़ा में इस प्रकार का अभियान चलाया गया था जो काफी हिंदुओं को लेकर सफल रहा था। विश्व हिंदू परिषद में घर वापसी के लिए भोपाल, सीहोर, बैतूल, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना की 29 जिलों का चयन किया गया है। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद के लोग घर घर जाकर मुसलमानों से कहेंगे कि 3-4 पीढ़ी उनके पूर्वज थे, वो हिंदू थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए आप भी जो है धर्म परिवर्तन कर लें और मुस्लिम धर्म को छोड़ दें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये लोग पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को रोकेंगे और मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में अवैध प्लांटिंग करने वालों की लिस्ट जारी, बीजेपी विधायक और मेयर का नाम शामिल। जो दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध प्लांटिंग करने वालों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सहित कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। बता दें कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में अवैध प्लांटिंग और अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। अवैध प्लांटिंग और कॉलोनियों को लेकर हलचल तब और तेज हो गई जब सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन के एक बड़े खेल की SIT जांच कराए जाने के लिए पत्र दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें बीजेपी विधायक का नाम शामिल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए चीन की मांगी मदद। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के लिए चीन से सहयोग मांगा है। वांग ने दक्षिण एशियाई देशों में बेहतर व्यापार संबंधों, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन का वादा किया है। चीन ने म्यांमार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नवंबर 2017 के उस समझौते को लेकर सहमति बनाने के लिए किया था जो उस साल अगस्त में म्यांमार में उत्पीड़न के चलते भागे लगभग 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को वापस भेजने को लेकर था। शरणार्थियों को उन्हें वापस भेजने के प्रयासों के बावजूद शरणार्थियों ने म्यांमार में खतरे के डर से जाने से इनकार कर दिया था, जो पिछले साल सेना की सत्ता में काबिज होने के बाद बढ़ गया था। वहीं आपको बता दें कि अब लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की बांग्लादेश मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इनको भेज नहीं पाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तीसरे दिन भी नजरबंद राजा भैया के पिता उदय प्रताप मुहर्रम से पहले प्रशासन ने लिया एक और बड़ा निर्णय। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ में मुहर्रम के मौके पर लगाए गए गेट को हटाने की मांग पर राजा उदय प्रताप अभी भी अड़िग हैं।
उनको शुक्रवार को भी प्रशासन ने भद्री कोठी में नज़रबंद करके रखा। इसके बाद वह रविवार को भी नज़रबंद रखे गए। इस बीच शेखपुर में बाहरी लोग के आने जाने पर रोक पुलिस ने लगा दी है और वहां पर नाकाबंदी कर दी है। इसी के साथ पुलिस की तमाम टीम भी अलर्ट मोड पर है। भदौरी कोठी के गेट पर भी धारा 144 का हवाला देते हुए नज़रबंद का नोटिस चिपका दिया गया है। इससे रविवार तक आदेश प्रभावी रहने का जिक्र है। इस बीच कोठी के अंदर भी पुलिस और पीएसी का पहला लगा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।